हेलो गाइस, आई एम नवीन, योर फिटनेस कोच। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, 2024 आ चुका है और आई होप आपने बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशन लिए होंगे इस साल के लिए। और गाइस, उनमें से सबसे बड़ी चीज़ गाइस फिटनेस का रेजोल्यूशन लेना। गाइस, फिटनेस आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भले ही कितने पैसे भी कमा लिए हैं, बट अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं तो आप उन पैसों को ठीक से इन्जॉय नहीं कर पाओगे। सो गाइस, कुछ टिप्स है मेरी, आप आई होप आपको आपकी फिटनेस जर्नी में हेल्प करेंगे। क्या सबसे पहले है कि अपना रूटीन सेट करो। जैसे कि अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ, आप अगर आपका रूटीन सेट होगा तो आपको वो बार बार अब आपको रूटीन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी मील फिक्स है, आपको जो वर्कआउट का टाइम है वो फिक्स है, आपको सोने का टाइम फिक्स है, तो आपको बार बार मैं जिम कब जाऊँ, क्या खाऊँ, क्या पहनूँ, ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना पहले एक टाइम टेबल करो सेट, देन उसको बार बार रिपीट करने का ट्राई करो। अगर आप कुछ दिन मिस भी करते हो तो कोई गिल्टी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सबके साथ होता है, कोई भी अगर आपने कुछ भी काम करते हो तो उसमें कैसे जो ब्रेक लगना बहुत ही स्वाभाविक है। इसमें आप बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मन में ये आता होगा कि मेरी इतनी साल की जो मेहनत है वो बिल्कुल ख़राब जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, वो बिल्कुल आपकी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। सेकंड थिंग है आपका अपना न्यूट्रिशन नंबर, आपको जो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल नंबर वन आपकी जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए। गाइस, सपोज़ करो आपने एक मंथ के लिए वर्कआउट छोड़ दे किसी रीज़न से, बट अगर आपने डाइट सही कर रहे हो तो आपको उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो मसल है वो बिल्कुल ड्रॉप नहीं होने वाला। अगर गाइस, मसल को ड्रॉप होने के लिए एटलीस्ट 2 महीने का टाइम चाहिए होता है। अगर आपने सोच लिया कि नहीं यार, मैं वर्कआउट भी नहीं कर रहा हूँ और डाइट, अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो अच्छे खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं कुछ। आप अपनी डाइट को बिल्कुल अप टू डेट रखो और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई ब्रेक लगता है भी आपका तो उसका इम्पैक्ट आपकी डाइट पर नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग गाइस, हम क्या करते हैं कि हम वर्कआउट भी कर लेते हैं, डाइट भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट जो अपनी जो रिकवरी है उसको हम उसके साथ हम जो खेलते रहते हैं। आपकी स्लीप पूरी नहीं होती, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपकी जो आप बार बार कुछ ओवर ट्रेनिंग कर देते हो आप, तो उस लिए गाइस आपके जो मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में आपकी फिटनेस जो गोल है वो भी उसके कारण अचीव नहीं हो पाते। आई होप गाइस ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए आपको ठीक से समझ में आ चुके होंगे और आप इनका ध्यान रखोगे 2024 में। गाइस देखो, सबसे बड़ा है कि आप पूरे साल का गोल ना लिख के बिल्कुल पहले आपने एक मंथ का गोल लिखो तो वो बिल्कुल ही आपको अचीवेबल लगेगा। आप पूरा एक जैन से लेके आप अगर दिसंबर तक का गोल लिख रहे हो तो वो आपको पूरा करने बहुत टफ लगेगा। और तो अब मैं चाहता हूँ या मैं चाहूँगा कि आप एक साल का गोल ना लिख के एक मंथ का गोल पहले लिखें, उससे आपको गाइस बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी न्यू ईयर अगेन।